आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों परमवीर चक्र अवॉर्डी पीरू सिंह शेखावत, वीरता की पराकाष्ठा। इन्होंने 1948 में ऐसी वीरता दिखाई जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कंपनी में हर कोई शहीद हो गया था, लेकिन ये अकेले ही लड़ गए थे पाकिस्तानियों से। मुंह पे ग्रेनेड फट गया था, लेकिन जा रहे थे अकेले, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे दोस्तों। अपनी मशीन गन नहीं छोड़ी थी और एक एक करके तबाह कर दिया था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। हमसे तादाद में बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद ये पीछे नहीं हटे थे। इनकी वजह से 1948 युद्ध जो है हम जीत पाए थे। तो देखेंगे दोस्तों इनकी कहानी। @reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। परमवीर चक्र भारत का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, पता ही है आपको। अभी तक ये 21 सोल्जर्स को मिल चुका है, 14 सोल्जर्स को ये मरणोपरांत दिया गया है, पोस्थमसली दिया गया है, पोस्थमसली भी ये मिलता है। 20 अभी तक अवार्ड इंडियन आर्मी को दिए गए हैं और एक इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, ठीक है। अब रामा राघोबा राणे, इससे पहले मैंने जो लेक्चर लिया था वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि परमवीर चक्र क्यों दिया जाता है, क्या क्या उसके पे मतलब जो अवार्ड के साथ जो कैश मनी आता है वो क्या है, सारी चीजें मैंने परमवीर चक्र के बारे में बताई हैं, देख लीजिएगा आप दोस्तों। तो अगर हम पीरू सिंह शेखावत की बात करें तो 20 मई 1918 झुंझुनू राजस्थान के एक छोटे से गांव बेरी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे लाल सिंह। लाल सिंह की बात करें तो ये किसान थे। अब इनका शुरू से ही पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इनको पढ़ाने लिखाने भेजते थे तो ये भाग आते थे। एक बार ये पढ़ने गए, एक लड़के से बहस हो गई, टीचर ने डांट दिया। शुरू से ही ये बड़े रेबेल टाइप के थे, विद्रोही थे। टीचर ने डांट दिया, टीचर से झगड़ा करके घर वापस आ गए कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, भाड़ में जाए हर कोई, ठीक है ना। तो ये चीज है, 7 बच्चों का बहुत बड़ा परिवार था, पला फूला परिवार था, खाता पीता परिवार था, जिसमें से 3 भाई थे और 4 बहनें थी, ठीक है ना। और पीरू सिंह जो थे वो सबसे छोटे थे, तो सबसे ज्यादा लाडले भी थे। हालांकि शुरुआत में देखते हैं इन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, बिल्कुल भी नहीं की, तो ये अपने पिताजी की हेल्प करते थे, जो भी फार्मिंग होती थी खेतों में अपने पिताजी की हेल्प करते थे। लेकिन बहुत ही जल्द इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। क्यों ज्वाइन कर ली, लंबे चौड़े थे, बहुत ही लंबे चौड़े हैंडसम बंदे थे भैया ये पीरू सिंह शेखावत, तो इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, ठीक। अब उस समय आर्मी जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी। हालांकि इससे पहले पीरू सिंह को 2 बार रिजेक्ट किया जा चुका था आर्मी के लिए, क्योंकि बहुत ही यंग थे ये, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में पहुंच जाते थे कि हमको आर्मी में भर्ती करो, बहुत यंग थे। लेकिन जब ये 18 साल के हुए, मिनिमम एज 18 साल के हुए, तब इनको 10वीं बटालियन, 1st पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में शामिल किया गया 1936 में, सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में। और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई 1937 में, और उसके बाद इनको 5th बटालियन सिख रेजिमेंट में ही, पंजाब रेजिमेंट में ही प्लेस किया गया। आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे थे, इसीलिए गजब के स्पोर्ट्समैन थे, चाहे बास्केटबॉल हो चाहे हॉकी हो, जो इंटर रेजिमेंटल कॉन्टेस्ट होते थे ना, चैंपियनशिप होती थी, हमेशा ये फर्स्ट प्राइज लेके आते थे, तो गजब के स्पोर्ट्समैन थे। और उसके बाद दोस्तों यही सारी चीजें देख के इनको तुरंत ही प्रमोट कर दिया गया, लांस नायक बना दिया गया दोस्तों 7 अगस्त 1940 में। और उसके बाद फिर इनको नायक बना दिया गया, कॉर्पोरल 1941 में। तो ऐसे इनको प्रमोशन मिलते रहे, और 1942 में इनको हवलदार बना दिया गया, जो टुकड़ी को, वो जूनियर ऑफिसर जो टुकड़ी को लीड करेगा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब दोस्तों 1942 में आपको पता ही है क्या हुआ, जापान ने इन्वेड कर दिया था बर्मा के रास्ते। हालांकि जापान फेल हो गया था, लेकिन इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। अब इनका काम इतना बेहतरीन था कि इनको जापान भी भेजा गया था, ठीक, जापान भी भेजा गया था एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स। और वहां पे ये 1947 तक रहे थे, और उसके बाद ये भारत आ गए थे। जब भारत को आजादी मिली दोस्तों, तो इनको राजपुताना राइफल्स में ट्रांसफर कर दिया गया, 6th बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स। तो वहां पे ये फिर कार्यरत रहे। लेकिन अब आजादी के बाद ही पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग हो गया था दोस्तों, तो पाकिस्तान ने यहां पे हमला कर दिया था भारत पे। क्यों हमला कर दिया था, उसको चाहिए था कश्मीर, उसने 22 अक्टूबर को हमला कर दिया, लूट खसोट चालू कर दी, श्रीनगर पे कब्जे के लिए वो बिल्कुल पहुंच गया कि हम श्रीनगर को काट देंगे। तो यहां पे हम देखते हैं, श्रीनगर को काट देंगे मतलब श्रीनगर की पूरी सप्लाई काट देंगे। तो यहां पे 26 अक्टूबर को
राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए पाकिस्तान की आर्मी नहीं आई थी तभी तक, तो यहां पे जो उनके सोल्जर्स थे, हालांकि उनकी आर्मी थी लेकिन ऑफिशियली उनकी आर्मी नहीं थी, तो जो सोल्जर्स थे, जो वहां के जवान थे पाकिस्तानियों के, वो कौन थे? वो कबायली के रूप में आए थे, वो वहां के जो ट्राइबल थे ना कुछ लोग वो थे, और जो उनके सोल्जर्स थे वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में आए थे, यहाँ पे हम देखते कुर्ते पैजामे में आए थे, तो पहचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो उन्होंने पूरी लूट खसोट चालू कर दी। अब अगर हम देखते हैं कि 26 अक्टूबर को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया राजा हरि सिंह ने, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उस समय राजा थे, और वो चाह रहे थे कि भारत जो है वो कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। वैसे कश्मीर में 90% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम थी, और जम्मू में 50-50% थी, मतलब आधी मुस्लिम और आधी हिंदू। तो यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो हर कोई मतलब जो पाकिस्तानी थे वो चाह रहे थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, मंसूबे नाकामयाब कर दिए। और यहाँ पे जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, तुरंत ही भारत की फौजें कश्मीर में पहुंच गई। आप श्रीनगर में, आपको मैंने सोमनाथ शर्मा की बायोग्राफी कवर की है दोस्तों, किस तरीके से 6 नवंबर को अपनी 50 टुकड़ी के साथ, 50 सोल्जर्स के साथ उनकी डेल्टा कंपनी ने छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानियों के। 6 घंटे लड़ाई चढ़ी थी, रोक के रखा था पाकिस्तानियों को। पहला परमवीर चक्र 1950 में जब हमारा कानून बना, परमवीर चक्र की स्थापना हुई, तो पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला, उनकी बायोग्राफी कवर्ड है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर अक्टूबर में अटैक होता है दोस्तों, ये रुके नहीं, अक्टूबर में अटैक हुआ, फिर दिसंबर में अटैक हुआ, और उसके बाद फरवरी में जब अटैक होता है, तो जादूनाथ सिंह जो कि बहुत ही लंबे चौड़े पहलवान थे, उन्होंने नाकामयाब कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे नौशेरा में लड़ाई हुई, झांगर में, पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर ये लोग अटैक करते हैं जुलाई में। अब जब जुलाई 1948 में अटैक होता है दोस्तों, तो यहां पे ये चीज बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इससे पहले होता क्या है दोस्तों, इससे पहले ये चीज हो रही होती है कि पाकिस्तानी जो अटैक लॉन्च कर रही होती है, ठीक है, पहले पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर कर लेती हैं, उसके बाद भारतीय उनको खदेड़ देते हैं, तो ये झुंझला जाते हैं, ये दोबारा अटैक करता है, यही हो रहा होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो एरिया है झांगर का, इसको भारतीय आर्मी ने कैप्चर कर लिया होता है, लेकिन दोबारा पाकिस्तानी आर्मी यहां पे अटैक लॉन्च करती है, तो यहां पे आर्मी जाती है दोबारा कैप्चर करने के लिए, ठीक है ना। तो अब ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो टीथवाल सेक्टर है, यहां पे लड़ाई शुरू होती है। यहां पे एक पहाड़ी है दारापारी, जो कि 50 किलोमीटर, लगभग 25 मील दूर है श्रीनगर से, उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे लड़ाई शुरू होती है पाकिस्तानियों, ये हिल फीचर होता है, ठीक है, ये पूरी पहाड़ी होती है, तो वही जैसा कारगिल में हुआ था ना, जो दुश्मन है वो पहाड़ पे है और आपको नीचे से जाना है। अब ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास इतने एम्यूनिशंस नहीं होते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमको हथियार दिए गए हैं उसी से काम चलाना है। ये 11 जुलाई से लड़ाई शुरू होती है, 15 जुलाई तक चलती है, लेकिन 17 जुलाई को दोस्तों डी डे आ जाता है। यहां पे कंपनी को दो में डिवाइड किया जाता है, चार्ली और डेल्टा कंपनी, ठीक है ना, और ये डेल्टा कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो टीथवाल सेक्टर है, दारापारी की पहाड़ियां हैं, इसको अपने कब्जे में लेने के लिए पीरू सिंह की जो टुकड़ी है वो निकल पड़ती है, ठीक। पाकिस्तानियों ने इस तरीके से अपनी बंदूकें लगाई रहती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है दोस्तों, पहाड़ी में चट्टाने होती हैं, चट्टानों के पीछे इस तरीके से उनकी गन की पोजीशन होती है कि जैसे ही ये टुकड़ी आगे बढ़ती है वैसे ही वो फायर खोल देते हैं। और आप विश्वास मानिए, लगभग आधे घंटे में 51 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, इतना भयानक फायर होता है, गजब की शेलिंग होती है दोस्तों, और बहुत हैवी कैजुअलिटीज होती है, बहुत ज्यादा। तो देखते ही देखते एक के बाद एक पीरू सिंह के जो साथी हैं वो शहीद होने लगते हैं, इंक्लूडिंग कमांडर दत्त, जो इनके कमांडर होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब करे तो करे क्या, लेकिन पीरू सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, ये अपनी स्टेन गन लेके आगे बढ़ते गए, और एक बंकर था दोस्तों वहां से फायर आ रहा था, हालांकि पीरू सिंह की खुद एक उनके बगल में एक ग्रेनेड आया और वो फट गया, तो पीरू सिंह घायल हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो चढ़ते रहे और अपना ग्रेनेड निकाला और उस बंकर में फेंका, वो बंकर खत्म, वहीं पे ही समाप्त। तो हम देखते हैं कि जहां से फायर आ रहा था, जो मेन सेंटर पॉइंट था, वो पीरू सिंह ने तबाह कर दिया, और इस समय पीरू सिंह अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं बचा था, थोड़े बहुत सोल्जर्स थे, ठीक है, 10-12 रहे होंगे, लेकिन बाकी सारे टुकड़ी के शहीद हो गए थे।
और सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगाते हुए जा रहे थे, राजा रामचंद्र की जय, चाहे जो हो जाए। ये जो नारे होते हैं ये बड़ा जोश भर देते हैं। इसी जोश के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे थे और एक एक को उन्होंने मारना शुरू किया। दोस्तों उनको पता था अगर अगर यहां पे इनको नहीं रोका गया तो ये आगे बढ़ जाएंगे और श्रीनगर को भी कब्जा कर लेते हैं। 85 किलोमीटर तो दूर है, तो यहां से हमको इनको रोकना होगा चाहे जो हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये जब आगे बढ़ते हैं इनको एक सोल्जर मिलता है और वहां पे वो अपनी गन के बेयोनेट से मारते हैं, ठीक है, और उनकी MMG गन छीन लेते हैं और फिर वहां से फायर करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों तभी एक और उनके पास ग्रेनेड आके गिरता है। वो जब ग्रेनेड फटता है दोस्तों तो उनका वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके मुंह पे जो उनका लेफ्ट साइड एरिया है वहां बहुत बुरी तरीके से कैजुअलिटी होती है। पूरा खून बह रहा होता है, उनको दिखना तक बंद हो जाता है, दिखता तक नहीं है, बहुत ही धुंधली नजर हो जाती है। और इसी दौरान दोस्तों जो बचे कुचे सोल्जर होते हैं ना वो भी शहीद हो जाते हैं। तो इस समय पीरू सिंह बिल्कुल अकेले, ऑल अलोन फाइटिंग विद द एनिमी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन तब भी वो उठते हैं, अपनी बंदूक लेते हैं और फायर करना शुरू कर देते हैं। दो तीन पाकिस्तानी सोल्जर्स वहीं ढेर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उनको दो गोलियां लगती हैं, एक चेस्ट में लगती है और एक फोरहेड में लगती है। जब उनको फोरहेड में और चेस्ट में गोली लगती है वो कोलैप्स हो जाते हैं। एक उनके पास ग्रेनेड होता है, शहीद होते हुए होते होते भी वो ग्रेनेड आर्मी के बंकर में फेंकते हैं, वहां पे ही खत्म हो जाते हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो हम ये देखते हैं कि इतनी देर तक इन्होंने लड़ाई की, अपनी स्टेन गन को संभाल के रखा, सारे कंपनी के लोग शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये रुके नहीं, ये आगे बढ़ते रहे और बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा इन्होंने। इवन जब ये शहीद हो रहे थे तब भी इनके पास जो ग्रेनेड था वो इन्होंने पाकिस्तानी कैंप पे फेंक दिया। तो हम ये देखते हैं कि कमाल की बहादुरी दिखाई, बहुत ही जबरदस्त, और इनकी वजह से इन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि ये बंकर्स होते हैं, ठीक है ना, और ये बंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से ही सब फायर हो रहा होता है। तो एक इन्होंने बंकर तबाह किया, उसके बाद दूसरे पे गए, दूसरा बंकर तबाह किया और फिर उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपने हाथों से मारा। तो ये चीज थी, अकेले थे लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं, बहुत भयंकर कैजुअलिटी हुई थी दोस्तों पाकिस्तानी सोल्जर्स को, और उनकी जो गन्स थी वो भी तबाह हो गई थी। तो यहां पे पीरू सिंह की वजह से पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन दोस्तों वो जो दो गोलियां लगी थी, एक चेस्ट पे और एक फोरहेड पे, उसकी वजह से पीरू सिंह जो है कोलैप्स हुए और शहीद हो गए। 17 जुलाई 1948 को पोस्थो मसली इनको परमवीर चक्र मिला दोस्तों। हालांकि 1950 के बाद ही मिला, क्योंकि भारत का जब कानून बना था तभी परमवीर चक्र की स्थापना हुई, लेकिन ये पूरी लड़ाई जो है वो 17 जुलाई को हुई थी और पाकिस्तान का एक और असॉल्ट नाकामयाब हुआ था। इसके बाद दोस्तों एक और वीर योद्धा की हम कहानी जानेंगे और फिर हम 1948 पाकिस्तान वॉर को खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों अभी तक मैंने आपको कारगिल वॉर जो हुआ था उसकी पूरी कहानी बता दी है, उसमें जो हीरोज ऑफ कारगिल उसका सेपरेट लेक्चर भी है, साथ ही साथ मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनको परमवीर चक्र मिला था कारगिल वॉर में 1999 में, इनकी पूरी कहानी बता दी। 1947 में दोस्तों 1947 में इनकी पूरी कहानी बता दी है मैंने दोस्तों, जादूनाथ सिंह, सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह शेखावत, रामा राघोबा राणे, लेकिन एक और बचे हैं, वो कौन है, वो है आखिरी हीरो लेकिन सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, करम सिंह। करम सिंह की बात हम अगले पार्ट में करेंगे दोस्तों। अक्टूबर, देखिए ये जुलाई 1948 है लेकिन 13 अक्टूबर 1948 को एक और खतरनाक अटैक, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के सारे अटैक्स रिपल्स कर दिए गए थे। देखिए ऐसा था कि जब भारतीय आर्मी आगे बढ़ती थी तो भारतीय आर्मी का मेन काम उनको मारना तो था ही, साथ ही पाकिस्तानियों को रोक के रखना था। तो हमारे जवानों ने जवान की परवाह नहीं करते हुए पाकिस्तानी आर्मियों को रोक के रखा, उनके सोल्जर्स को रोक के रखा। अगर वो आगे बढ़ जाते पाकिस्तानी सोल्जर्स तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि भैया देखिए उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पीछे से सपोर्ट आने में टाइम लगता था, 5-6 घंटे लगते थे। तो यहां पे रोक के रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये जो जंग हुई डेफिनेटली उसके बाद रीइंफोर्समेंट आया, जब पीरू सिंह शेखावत शहीद हुए उसके बाद फिर रीइंफोर्समेंट आया, लेकिन रोक के रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी से इनसे मुकाबला किया था और पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां पे, पाकिस्तान की ये एक नहीं थी, बहुत सारी सेना एक साथ आ गई थी
और ये काफी ज्यादा सुपीरियर थी, लेकिन उसके बावजूद छक्के छुड़ा दिए थे। जब 1948 का ये वॉर जो है कश्मीर का ये खत्म हो गया था, तो 2/3 हिस्से जो है मतलब 75% ये भारत के कब्जे में आ गए थे। और एक तरीके से हम देखते हैं कि जीत हमारी ही हुई थी, क्योंकि उस समय तक दोस्तों फिर यूनाइटेड नेशन चले गए थे नेहरू, और एक सीज फायर जो है वो स्टैब्लिश हो गया था, और वो मामला अभी तक अटका हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा वो नहीं करते तो शायद हम पाकिस्तान को जीत लेते, क्या पता। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, गजब की शौर्य दिखाया था। तो इसके बाद हम अक्टूबर जो आखिरी असॉल्ट हुआ था पाकिस्तानियों द्वारा, उसको कैसे रेजिस्ट किया जाता था, उसकी बात करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।